नमस्ते दोस्तों, पूछे अपना सवाल में आप सभी का स्वागत है मेरे यानी कि अंशु कुमार के साथ। दोस्तों पूछे अपना सवाल में आप हमसे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हमारे एक्सपर्ट देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो अगर आपका भी है कोई सवाल तो देर किस बात की, तुरंत फ़ोन उठाइए और अपना सवाल पूछिए। फ़ोन के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो दोस्तों अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और फोन लगाते हैं सुनील कुमार जी को, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो। हाँ जी मैम, सुनील कुमार जी बात कर रहे हैं? हाँ, सुनील कुमार जी बात कर रहे हैं। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ जी मैम। सर आपका सवाल आया था, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। पूछे अपना सवाल। मैम मैं खेतों में अभी अगले महीने में मूली लगाना चाह रहा हूँ जी, उसके बारे में जानकारी चाह रहा हूँ। देखिए, मूली जो अब आप जो लगाएंगे उसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने एक वैरायटी निकाली है पूसा मृदुला, और पूसा मृदुला को आप इस समय लगा सकते हैं। जबकि पूसा चेतकी जो होती है वो आपको जुलाई अगस्त सितंबर में लगाते हैं जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। सर मूली की खेती का सही समय कौन सा है बोने का? देखिए, मूली तो एक ऐसी फसल है जी कि आप उधर पूसा चेतकी एक वैरायटी है जी, जिसको आप अप्रैल से लेकर के और फिर आप अप्रैल मई तक लगाइए, अगस्त से लेकर के अप्रैल तक लगाते रहिए। उसके बाद दूसरी जो अभी मैंने पूसा मृदुला बताई है, ये आप जो है सितंबर से लेकर के और मार्च तक आप लगाते चले जाइए। यानी कि सर बारह महीने जो है वो मूली, इसीलिए मैंने आपसे पूछा क्योंकि बारह महीने जो है वो मूली आजकल। वैरायटी का विशेष ध्यान रखें कि कौन सी वैरायटी किस समय लगानी है बस जी। तो दोस्तों इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जो कि उत्तराखंड के रहने वाले हैं रोहित जी। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो। हेलो रोहित जी बात कर रहे हैं? हाँ। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ जी। सर आपका सवाल आया था, सर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। पूछिए अपना सवाल। सवाल मेरा वही था, ये झरबेरा का वो करना था जी। देखिए झरबेरा लगाने के, अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं अब लगाने जा रहा हूँ तो झरबेरा बहुत लेट हो चुका है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही इसका फूल और छोटा हो जाता है। झरबेरा इस समय मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से आने लगा है। ग्लाइडरस झरबेरा और आपका जो है गुलदाउदी, ये इस समय भरपूर मात्रा में जो है खिल रहे हैं। तो हाँ, अब अगर आप झरबेरा लगाएंगे तो आपको पैदावार बहुत कम मिलेगी। हाँ, तो इसमें पॉली हाउस में कर रहे हैं? हाँ देखिए, पॉली हाउस में कर रहे हैं, ठीक है आप कर रहे हैं पॉली हाउस में। एक तो इस बात का ध्यान रखें कि आप उसको कूड़ पे लगाएं, रिज पे लगाएं, नंबर एक। हाँ, मेड़ बना करके आप झरबेरा लगा दीजिए और पाली हाउस में टेम्परेचर को मेंटेन आप कर सकते हैं, इसलिए आप पाली हाउस में आप लगा सकते हैं। मैंने ये पूछा था कि इसलिए मार्केटिंग का क्या होगा? देखिए मार्केटिंग की जहाँ तक सवाल है, अगर आपका शहर के पास है जहाँ आप करने जा रहे हैं, तो जो मंडी आग की है जहाँ पर डिमांड होती है फूलों की, शादी ब्याह वाले आते हैं और ये सब होते हैं, तो मंडी इसकी होती है, तो आप इसकी मंडी में आप जो है इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। चार पांच फूल हैं जिनको मंडी में बहुत डिमांड होती है, उसमें एक है गुलाब, गेंदा, गुलदाउदी और ग्लाइडरस और झरबेरा, तो वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से सुरेश कुमार जी से, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो। हेलो सुरेश कुमार जी बात कर रहे हैं? हाँ जी मैडम। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। है। सर आपका सवाल आया था, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। पूछे अपना सवाल। मैडम मैंने यही पूछना था कि जो गेहूं है उसमें एनपीके या मैगनीज वगैरह की स्प्रे या कौन कौन स्प्रे करें, यानी कि ताकत के लिए। गेहूं आपका कितने दिन का बोया हुआ हो गया? गेहूं हो गए कुछ तो निसरने वाला हो गया, निसरने लग गया है, और कुछ 60-70 दिन का अभी निसरा नहीं है जैसे। अच्छा, निकला नहीं है। देखिए जो गेहूं जिसकी बाल निकल चुकी है, हाँ जी, उस पर कोई भी स्प्रेइंग नहीं करनी है अब।
ठीक है सर। अच्छा, और जिस पे बाल नहीं निकली है अभी, हाँ जी, उस पर आप यूरिया का स्प्रेइंग कर सकते हैं। अकेले यूरिया का? हाँ, यूरिया का स्प्रेइंग कर सकते हैं। कितनी सर? देखिए ऐसा, 20 आप किलो यूरिया ले लीजिए, हाँ जी, और 600 से 800 लीटर पानी में आप उसको घोल लीजिए, हाँ जी, हाँ जी, और ये एक हेक्टर के लिए आपका पर्याप्त हो जाएगा, इसको आप स्प्रे कर सकते हैं। यस सर। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। थैंक यू मैम। जी तो दोस्तों फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए ग्रीन टीवी। मैडम मैंने ना मधुमक्खियों का जो है ना अपना काम करना है जी, उसके बारे में पूछ रहा था मैडम, कैसे शुरू करूँ, कहाँ से? देखिए मधुमक्खी पालन के लिए आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है जयपुर में आप संपर्क स्थापित करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है पूछे अपना सवाल में, जिसमें आप हमसे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हम देते हैं आपके सवालों के जवाब। तो दोस्तों इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो। हेलो प्रकाश जी, बात कर रहे हैं? हाँ जी मैडम। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ जी मैडम। सर आपका सवाल आया था, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, पूछिए अपना सवाल। मैडम मैंने ना मधुमक्खियों का जो है ना अपना काम करना है जी, उसके बारे में पूछ रहा था मैडम, कैसे शुरू करूँ, कहाँ से? देखिए मधुमक्खी पालन के लिए आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है जयपुर में आप संपर्क स्थापित करें, और विशेषकर राजस्थान में जो है सरसों की फसल में मधुमक्खी पालन आपके यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, और ये भी बता दें आपको कि जो सरसों के खेत से आप जो मधुमक्खी पालन करने के बाद जो शहद प्राप्त करते हैं, वो शहद और शहदों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा महंगा होता है, और ये विदेश में फॉरेन को सप्लाई होता है। ये लोन लेने के बारे में और शुरू में स्टार्टिंग करने के लिए पूछ रहा था। हाँ, अब देखिए लोन की जहाँ तक बात है, तो आप जिला विकास अधिकारी, अपने जिला के जो जिला विकास अधिकारी हैं उनसे संपर्क करें, और मधुमक्खी पालन पर वो आपको जो है जो भी अनुदान वहाँ निर्धारित होगा वो आपको। हाँ जी सर, मैंने बैंक में पता किया था, वो कह रहे हैं सर गवर्नमेंट सब्सिडी कितनी देती है और वो सब्सिडी कहाँ से मिलेगी? हाँ वो तो वही मैं बता रहा हूँ आपके लिए, बैंक से कोई मतलब नहीं आपका सीधा संपर्क करने का। आप सीधा संपर्क करेंगे जिला विकास अधिकारी से, जिसको CDO कहते हैं, और वहाँ आपको जो है वो मधुमक्खी पालन के लिए जो प्रार्थना पत्र आप देंगे उसके अनुसार निर्धारित जो उनका होगा उतना आपको ऋण देंगे, और उस पर उसी ऋण पर जब आप मधुमक्खी पालन प्रारंभ कर देंगे तो उस पर जो उनका निर्धारित अनुदान है वो आपको अनुदान देंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और सवाल हमसे पूछने के लिए। सर जैसे कि हम जानते हैं कि जो शहद बनता है वो सरसों से बन सकता है या फिर सूरजमुखी से बनता है, तो इसके अलावा जो है वो शहद मधुमक्खी जो शहद बनने की प्रक्रिया होती है वो कोई और भी फसल से होती है? देखिए कोई भी ऐसा फूल नहीं है जी जिसमें पराग ना हो जी, और जो पराग होता है उसी से ये रस लेकर के और अपना मध बनाती है जी। तो जितने भी फूल हैं उनसे भी बनता है ज्यादातर जो है वो। हाँ, सूरजमुखी और सरसों। देखिए सूरजमुखी और सरसों की बात जहाँ कर रहे हैं, तो राजस्थान जो है इस समय आप जाइए आपको पूरा पीला का पीला दिखाई देगा, वहाँ सरसों बहुत ज्यादा इस समय होती है, इसलिए मैंने राजस्थान में जो है सरसों की बात कही कि सरसों में आपका जो, और एक्चुअली सरसों से जो तैयार करती है मधुमक्खी, क्योंकि जो वहाँ से क्वालिटी उसकी ज्यादा अच्छी, उसकी क्वालिटी तो इतनी अच्छी होती है कि कई ज्यादा गुना कीमत में जो है वो फॉरेन सप्लाई होता है जी। यानी कि सर जो शहद जो मधुमक्खी पालन है वो सरसों सूरजमुखी के अलावा हर एक फसल जो फूल देती है, फूल देती है उससे होता जी सर। तो दोस्तों इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, मनु भुटानी जी से, जो कि हरियाणा के गुरुग्राम में रहते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो। हेलो मनु जी, बात कर रहे हैं? हाँ जी। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ जी, हाँ जी। सर आपका सवाल आया था, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, पूछे अपना सवाल। मैडम मेरा सवाल ये था कि मुझे हाइड्रोपोनिक और एक्वापोनिक टेक्निक के बारे में जानना था, हम शुरुआत करना चाहते हैं तो कहाँ से शुरुआत की जाए और कैसे शुरुआत की जाए? देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली,
से आप संपर्क करें हाइड्रोपोनिक खेती करने के लिए। हाँ जी, वहाँ आपको पूरा प्रशिक्षण आपको मिल जाएगा और पूरी जानकारी आपको कायदे से मिल जाएगी, ताकि आप अपना ये फसल करने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, इमरान सिंह जी से, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो, इमरान सिंह जी बात कर रहे हैं? जी सर। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ सर, आपका सवाल आया था। जी जी सर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। पूछे अपना सवाल। चना है वो इसी तरह से मैंने बिना फर लगे हुए सूख जाता है सर। हाँ। उसके लिए मैंने क्या? हाँ, देखिए ऐसा है, एक तो ये बताइए जो चना या मसूर आपने बोई है उसकी मिट्टी कैसी है, रेतीली है या दुमट है? नहीं नहीं, केवल है। अच्छा, तो देखिए ऐसा है, जब फूल आने की अवस्था में आकर के सूखती है जी, तो क्या पौधे में ऊपर से पहले पत्तियां सूखती हैं या पूरा बाद में पौधा पूरा सूखता है? नहीं, पूरा चारे सूखता है सर। हाँ, तो देखिए ऐसा है, एक तो आप इस बात का ध्यान रखें जी सर, कि अब कितने दिनों की हो गई है? एक महीना हो गया सर। डेढ़ महीना? एक महीना डेढ़ महीना हो गया है। हाँ। तो एक दवा आती है ब्लाइटॉक्स, और अगर ये ना मिले तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जी, इनमें से दोनों में से आप 2.5 ml पर लीटर के हिसाब से घोल बना करके छिड़कें जी, जानवर के लिए। सर ये पशुपालन करना चाहते हैं। अच्छा, पशुपालन कर, पशुपालन में आप कौन सा पशु पालना चाहते हैं? जर्सी और फ्रीजियन। सर ये गाय पालना चाहते। अच्छा, गाय पालना चाहते हैं जी जी। हाँ, तो देखिए गाय घर के यहाँ जो देसी गायों में है वो है साहीवाल, बहुत अच्छा दूध देने वाली है, और उसके बाद थारपारकर है, सिंधी है, गिरी है, ये तो देसी जातियां हैं, और जो आप बोल रहे हैं जर्सी और गर्नसी, ये विदेश की जातियां हैं। तो जर्सी और जो गर्नसी की आप बात कर रहे हैं, ये दूध तो जरूर ज़्यादा देती हैं, लेकिन इनका दूध इतना पतला होता है कि लोग इसको पसंद कम करते हैं। तो अगर आप जर्सी गाय रखे हुए हैं तो भविष्य में उसका आप साहीवाल सांड से क्रॉस कराएं, और उसके बाद जो आपकी आगे वंश बनेगा वो साहीवाल की तरह आपका जो है ब्रीड बनेगी, और उसका दूध भी गाढ़ा होगा और जर्सी की उसमें क्वालिटी आएगी, तो दूध की मात्रा बढ़ जाएगी जी। सर कोई और सवाल? नहीं, और कोई सवाल नहीं है सर। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, ये सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों, सवालों और जवाबों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए ग्रीन टीवी। ब्रोकली की बुआई कब होती है जी, कौन से मौसम में होती है? हाँ देखिए ऐसा है, फूल गोभी की तरह ब्रोकली की भी बुआई कई सीजन में होती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पूछे अपना सवाल में, जिसमें आप हमसे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हम देते हैं आपके सवालों के जवाब। तो दोस्तों, इसी के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, रमेश चंद्र जी से, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो, रमेश चंद्र जी बात कर रहे हैं? जी हाँ, कर रहा हूं। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ बोलिए सर, आपका सवाल आया था। जी, मैंने ब्रोकली के बारे में लिखा था। जी सर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। पूछिए अपना सवाल। हाँ, ब्रोकली की बुआई कब होती है जी, कौन से मौसम में होती है? खरीफ में होती है, रबी में होती है? हाँ देखिए ऐसा है, फूल गोभी की तरह ब्रोकली की भी बुआई कई सीजन में होती है जी। एक होती है अगैती, एक होती है मध्यम पिछैती, और एक होती है पिछैती। तो जो अगैती की बुआई होती है वो होती है मध्य मई से जून तक। मध्य मई से जून तक? हाँ। उसके बाद जो मध्य पिछैती होती है वो होती है जुलाई के अंत से लेकर के अगस्त के प्रथम सप्ताह तक जी। और जो पिछैती होती है वो अगस्त से लेकर के सितंबर तक बोई जाती है। इसमें कोई अच्छी किस्म के बारे में पूछना चाह रहा था। हाँ देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, पूसा इंस्टीट्यूट जो है, उसने बहुत ही अच्छी वैरायटी निकाली है, पूसा KTS1।
KTS 1। हाँ अच्छा, ये इस समय के बोने की टाइम की है जी। मैं मेरा हिसाब से क्या है कि मेरा, मैं इसको ऑर्गेनिक रूप से करना चाह रहा था। अगर आप कल्टीवेशन करना चाहते हैं जी, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप खेत की जब तैयारी करें तो ज्यादा से ज्यादा 350 से लेकर के 400 क्विंटल पर हेक्टर तो गोबर या कंपोस्ट की खाद डालें जी। उसके बाद जब इसको आप बो रहे हैं जी, तो बुवाई के इसका पहले नर्सरी तैयार करें, तो नर्सरी में भी आप जो है गोबर की, आधी गोबर की खाद अच्छी तरीके से मिला करके, ताकि हमारी जो नर्सरी तैयार हो वो स्वस्थ नर्सरी तैयार हो जी। मैं PGS के अंतर्गत जैविक खेती कर रहा हूँ, मेरे पास एक फार्म, जैविक फार्म है मेरे पास। ठीक है, एक एकड़ का फार्म है, और मैंने क्या है कि 3 साल से उसमें कोई रासायनिक पदार्थ नहीं डाला है, केवल वर्मी कंपोस्ट और केवल देसी गोबर की खाद ही डालता हूँ। हाँ तो ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आपके लिए। तो एक तो जब ये जब आपका पूरा फार्म है तो आप ध्यान रखिए कि इसमें हरी खाद का भी हर साल प्रयोग करें जी। हरी खाद में ढेंचा, हाँ ढेंचा या सनई, और गर्मी के दिनों में जुताई करके छोड़ दें तो उससे वातावरण की नाइट्रोजन उसमें बहुत ज़्यादा आ जाएगी खेत में। उसके बाद फिर आता है गोबर की खाद या कंपोस्ट या वर्मी, जो भी आपको उपलब्ध हो उसको इस्तेमाल करिए। तो इस तरीके से आप जैविक खेती कर सकते हैं। तो इसकी मतलब ब्रोकली की पहले पौध तैयार करें अपन, इसकी रोपाई होती है जी, जैसे फूल गोभी की रोपाई होती है वैसे ही ब्रोकली की रोपाई होती है। 400 से 500 ग्राम बीज जो है एक हेक्टर की जो नर्सरी तैयार करेंगे उसके लिए पर्याप्त होती है। 400 से 500 ग्राम एक हेक्टर की, हाँ 400 से 500 ग्राम की जो नर्सरी तैयार करेंगे वो एक हेक्टर के लिए पर्याप्त होती है जी। जी जी, बहुत अच्छी बात। हाँ और एक चीज और बता दें आपको कि जब आप अगैती लगाएंगे तो लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर जी, लेकिन जब पिछैती लगाएंगे आप तब लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर पर लगाएं। अच्छा, मतलब उसमें क्या है कि पिछैती में थोड़ा जगह ज्यादा, हाँ पिछैती में जो है वो बढ़ती ज्यादा है जी। सर कोई और सवाल? धन्यवाद आपका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। सवाल पूछे भी हम आपका सवाल करते रहेंगे जी। जी जरूर सर, जैसे कि आपने अभी ब्रोकली के बारे में बताया कि रवि खरीफ जाए तीनों में बो सकते हैं, लेकिन रियल टाइम जो होता है, रियल जो बुआई कर सकते हैं वो किस समय में कर सकते हैं? देखिए सबसे बड़ा जो है वो तो हमारा जितनी फूल गोभी कुल की है, ये सब ब्रोकली है, चाहे बंद गोभी है, चाहे फूल गोभी है, चाहे वो जो आपका केली फ्लावर है, ये सब जो है ये 2 बार में बोए जाते हैं जी। सबसे अच्छा टाइम तो है जुलाई अगस्त का जो बरसात के दिन होते हैं, उसके बाद फिर हम आकर के इधर जो है जब जनवरी फरवरी का जाड़ा खत्म हुआ और उसके बाद तुरंत लगा देते हैं जी। तो जनवरी में हम नर्सरी डाल देते हैं, उसके बाद फरवरी में इसकी हम रुपाई कर देते हैं जी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और अपना सवाल हमसे पूछते हैं। हाल ही में हमारे साथ पाकिस्तान के बन्नू से बिलाल सुलानी जी जुड़ रहे थे। सर ये जानना चाहते हैं कि कल्टीवेशन से पहले भिंडी को, भिंडी के जो बीज होते हैं उनको कितने दिन तक, कितने देर तक जो है वो सोक्ड पानी में भिगो के रखा जाता है? देखिए भिंडी को बोने के लिए 2 तरीके हैं जी। एक तो भिंडी अगर पर्याप्त मात्रा में खेत में नमी है तो भिंडी को केवल 1 घंटे भिगो करके और उसके बाद निकाल करके और ऐसी छाया में डाल दें जो उसका पानी निकल जाए, उसके बाद बो सकते हैं जी। और अगर हम गर्मी ज़्यादा, तापक्रम ज़्यादा है तो भिंडी को बोने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि भिंडी के बीज को एक कपड़े में बांध करके और जो कंपोस्ट का पिट है उसमें 24 घंटे तक गाड़ दें, और 24 घंटे के बाद गाड़ने के बाद जब उसमें से निकालेंगे तो उसके बाद उसको अगर लगाएंगे तो उसका जर्मिनेशन बहुत तेज़ी से होता है जी। यानी कि 1 घंटे में भी कर सकते हैं और 24 घंटे भी लग जाते हैं। अगर पानी में भिगोना है तो, और खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी है तो 1 घंटे भिगोने के बाद और निकाल करके उसको बो सकते हैं जी। सर तो बिलाल जी आशा करती हूँ कि आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हमसे जुड़ने के लिए, सवाल अपना पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर भिंडी की बुआई किस समय में कर सकते हैं? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका जी। एक तो हमारा जो खरीफ की फसल होती है उसमें हम जुलाई अगस्त में भिंडी लगाते हैं जी। और दूसरा जो इस समय हमारा जायद की फसल होती है उसमें भिंडी लगाते हैं,
लेकिन इस समय जो बहुत आवश्यक बात जो है ध्यान देने वाली वो ये है कि जब तक 11 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापक्रम ना हो जाए तब तक भिंडी की बुवाई ना करें, अन्यथा जर्मिनेशन नहीं होगा। जी सर, सर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है हमारे सभी कॉलर्स को, आप हमारे स्टूडियो में आए, ये तमाम जानकारी आपने हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आप भी खेतीबाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो तुरंत फ़ोन उठाइए और अपना सवाल पूछिए। फ़ोन के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।